हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं गॉस सीडल मेथड के बारे में। तो ये जो है ये थोड़ा सा ही डिफरेंट मेथड है गॉस जैकोबी मेथड से। जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा था, गॉस जैकोबी मेथड में हमने जो वैल्यूज़ थी वो नेक्स्ट आइट्रेशन में अपडेट की थी, और गॉस सीडल में हम जो वैल्यूज़ हैं वो हैंड टू हैंड अपडेट करते चलेंगे। तो अगर आपने मेरा गॉस जैकोबी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी तरह हम यहाँ पर सबसे पहले सबकी इक्वेशंस इंडिविजुअल फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये होगा हमारा 8x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से x1 माइनस 5x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 16, और लास्ट में x1 प्लस x2 माइनस 4x3 इज इक्वल्स टू प्लस का 7। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी गेट, अगर हम यहाँ पर x1 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आएगी हमारी 1 माइनस x2 माइनस x3 अपॉन माइनस 8। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस आपका कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस 8 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी x2 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो वो होगा 16 माइनस x1 माइनस x3 अपॉन में 5, और साइन माइनस का बाहर आ जाएगा। सो ऐसे ही हम x3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x3 की वैल्यू हमारी बनेगी 7 माइनस x1 माइनस x2 अपॉन में 4, और माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पर भी हमें 4 आइट्रेशंस तक सॉल्व करना होता है जनरली, और जो एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो यहाँ पर गिवन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज है वो आपकी कॉन्टीन्यूअसली चेंज होती रहती हैं। और यहाँ पर जो हम आइट्रेशन यानी कि इनिशियल आइट्रेशन लेके चलते हैं वो 000 की लेके चलते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है, अब आगे इन सबकी वैल्यूज़ हम इसी के बेस पर निकालेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है यानी कि जिसको आप x0 कहते हैं वो है 0,0,0। पहली जो 0 है वो x1 के लिए है, दूसरी x2 के लिए है, और तीसरी x3 के लिए है। तो जब हम x1 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x1 को सॉल्व करने पे आएगा माइनस 1 माइनस 0 माइनस 0 अपॉन 8, और ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी माइनस 0.125। सेम इसी तरीके से अब x2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे तो वो था 16 माइनस। अब देखिए गॉस जैकोबी में और गॉस सीडल में बस इतना सा ही डिफरेंस है। गॉस जैकोबी में अभी अगर हम ये क्वेश्चन कर रहे होते तो हम इसकी जगह पर यहाँ पर 0 लगाते, वो स्टैटिक मेथड है। अगर आप प्रोग्रामिंग के टर्म में समझें तो गॉस जैकोबी क्या है, एक स्टैटिक मेथड है, और गॉस सीडल क्या है, वो एक डायनामिक मेथड है। तो यहाँ पर डायनामिक होने की वजह से, क्योंकि अब यहाँ पर x1 की वैल्यू चेंज हो चुकी है, देखिए x1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0.125 हो चुकी है नेगेटिव में, तो इसीलिए अब हम ये वैल्यू को यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और केयरफुली करने वाला क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसमें एक भी नंबर की गलती करेंगे तो आपकी नेक्स्ट आइट्रेशंस ऑटोमेटिकली गलत होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट आइट्रेशन बनेगी वो होगी 16 प्लस 0.125, क्योंकि माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस 0 अपॉन में 8। तो ये सॉल्व करके आपका आएगा कैलकुलेटर पर माइनस 3.225। इसी तरीके से थर्ड पार्ट करेंगे तो x3 की वैल्यू हम वहाँ पर फाइंड करेंगे, तो x3 की वैल्यू थी हमारे पास 7। अब x1 और x2 दोनों ही अपडेट हो चुके हैं, तो 7 प्लस 0.125 प्लस 3.225 अपॉन में 4, तो ये वैल्यू आपकी सॉल्व करके आएगी माइनस 2.58। सो अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड आइट्रेशन की तरफ, जो है माइनस 0.125 माइनस 3.225 एंड माइनस 2.58। तो यहाँ पर भी सेम पिछली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम x1, x2, x3 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा x1 हो जाता है माइनस 1 प्लस 3.225 प्लस 2.58
अपॉन में 8, और ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके आएगी -0.85। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट वैल्यू है यानी कि x2 को कैलकुलेट करेंगे तो -16 प्लस 0.85 प्लस 2.58 अपॉन में 5, तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट करने के बाद आएगी -3.88। इसी तरीके से तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपडेटेड वैल्यूज़ के साथ, तो अपडेटेड वैल्यूज़ हैं आपकी 7 प्लस 0.85 प्लस 3.88 अपॉन में 4, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा -2.93। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ। तो नेक्स्ट आइट्रेशन है हमारी थर्ड आइट्रेशन, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो हैं -0.85, -3.88 एंड -2.93। तो थर्ड आइट्रेशन के बाद जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो हैं x1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3.88 प्लस 2.93 अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू -0.97। x2 की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो x2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 16 प्लस 0.97 प्लस 2.93 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू -3.98, और x3 की वैल्यू हमारे पास आएगी -7 प्लस 0.97 प्लस 3.98 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू -2.98। और अब हम अपनी लास्ट आइट्रेशन सॉल्व करेंगे, तो लास्ट आइट्रेशन यानी फोर्थ आइट्रेशन होगी हमारी। फोर्थ आइट्रेशन है हमारी -0.97 कॉमा -3.98 कॉमा -2.98, और जो x1 की वैल्यू है x1 की वैल्यू सॉल्व करने पर हमारी आएगी -1 ब्रैकेट में 3.98 प्लस 2.98 अपॉन में 8, और ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी आपकी -0.99। इसी तरीके से x2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x2 की वैल्यू आपके पास आएगी +16 प्लस 0.99 प्लस 2.98 अपॉन में 5, और ये सॉल्व करने पे आएगा -3.99। सेम इसी तरीके से लास्ट को सॉल्व करेंगे तो x3 बनेगा आपका 7 प्लस 0.99 प्लस 3.99 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू -2.99। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो 1, 3, 1, 4 और 3 के नज़दीक आ चुका है, तो अब हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, और मैंने आपको बताया भी कि ये क्वेश्चंस हम फोर्थ आइट्रेशंस तक ही सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर है वो होगा अप टू फोर्थ आइट्रेशन द वैल्यूज़ आर 0.99, -3.99 एंड -2.99। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।